60,000 परिवार है, अगर उसको बचाना चाहते हैं तो NCL और EWS लेटेस्ट करंट वाला लागू कर दिया जाए। अध्यक्ष का ईगो का प्रश्न टकरा गया है मासूम बच्चों के साथ। गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हजारों की संख्या में जो ये सफल अभ्यर्थी हैं सिपाही बहाली परीक्षा के, उसको समर्थन देने आए हैं, क्योंकि ये तैयारी भी कराते हैं ऐसे छात्रों को। और आज आप इनके समर्थन में दो दिनों से हम देख रहे हैं कि आप भी 25 तारीख से मैं इन लोगों के साथ हूँ। अब 25 तारीख से हूँ, क्या है, क्या हो रहा है? सबसे बड़ी बात है कि 21,391 सिपाही की बहाली बिहार के इतिहास में पहली बार निकली। अब भविष्य में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उसमें जब परीक्षा हुई, पहली बार परीक्षा हुई तो क्वेश्चन डकैती हो गया, लीक हो गया। हम लोगों ने चिल्लाया, इसको मुख्यमंत्री कैंसिल कर दिए। उसके बाद दोबारा परीक्षा हुई तो दोबारा परीक्षा में 13 लाख के लगभग लड़के अपेयर हुए। और जब रिजल्ट निकली तो ना कट ऑफ बताया गया, ना नॉर्मलाइजेशन का तरीका बताया गया, ना एंसर शीट दिया गया। चलिए उससे भी हम लोग संतुष्ट थे, क्योंकि 1,07,079 बच्चे पास हुए थे। लेकिन जब 1,07,079 बच्चे अपना फिजिकल के तैयारी में जुट गए तो अचानक आयोग से एक नोटिस आता है कि जिन लड़कों का NCL नॉन क्रिमिलेयर और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन फॉर्म भरने के पहले का नहीं होगा, वे लड़के का NCL और EWS माने नहीं होगा। जबकि अब तक जो बच्चे करते आ रहे थे वो करते ये आ रहे थे कि फॉर्म भर दिए और टिक लगा दिए, NCL है तो NCL में टिक लगा दिए, EWS तो टिक लगा दिए, और जब दौड़ना होता था उस समय डॉक्यूमेंट्स लेके जाते थे। लेकिन इस तरह की बात करने से 60% लड़के, यानी आपको 60,000 लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिनका NCL और EWS का मुद्दा कारण वो छट जाएंगे। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से हमारा अनुरोध है, वे हमारे राज्य के मुखिया हैं, चोरी में हो गए नहीं, परीक्षा हुई है, पहली बार परीक्षा हुई है, गरीब गुरब गया है। तो अगर 60,000 परिवार को बचाना चाहते हैं, तो ये 60,000 बच्चे नहीं है, 60,000 परिवार है, अगर उसको बचाना चाहते हैं तो NCL और EWS लेटेस्ट करंट वाला लागू कर दिया जाए। यह बच्चों के लिए कल्याण होगा, आपके लिए कल्याण होगा और देश के लिए, राज्य के लिए कल्याण होगा। अचानक क्यों लगता है गुरु रहमान की ये EWS NCL की मांग की गई होगी? विज्ञापन में उसका जिक्र था, विज्ञापन में 2017-2019 लिखा हुआ था जब से EWS NCL लागू किया गया। तो अब जो सिपाही का बच्चा है, इंटर पास है, वो अब तक यही भरता आ रहा था, तो उसको स्पष्ट लिख देना चाहिए था कि इतना ही बनवाता पहले वही। तो इसमें 100% स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा हुआ था। और आयोग के अध्यक्ष का ईगो का प्रश्न टकरा गया है मासूम बच्चों के साथ, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है। इसलिए ईगो हटावे या मत हटावे, माननीय मुख्यमंत्री अपना ध्यान जरूर केंद्रित करें। एकेडमिक क्राइटेरिया क्या होता है परीक्षा में बैठने के लिए? परीक्षा में बैठने के लिए पहले रिटर्न लिया जाता है, रिटर्न के में जो पास करता है, कितना शिक्षित है, कौन 12th पास है या फिर 12th पास है। और इसमें से मैक्सिमम बच्चों का सिपाही का एज खत्म लास्ट अटेम्प्ट है, तो ऐसी परिस्थिति में कितना होता है? एज जनरल का 23 है और 25 है और OBC 27 है। बहुत सारों का तो एज भी खत्म हो जाएगा, बहुत का एज खत्म हो रहा है, बहुत रो रहे हैं, कलप रहे हैं, हमको रोना पड़ गया इन बच्चों का आंसू देखकर। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा कोई आपसे एक संपर्क किया है? नहीं, मजिस्ट्रेट आए थे, मजिस्ट्रेट के माध्यम से हम लोग कल ज्वाइंट सेक्रेटरी पास गए थे, मनोज सर के पास। मनोज सर ने उसको मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा, अभी चीफ सेक्रेटरी का फोन आया था, खान सर ने कहा कि ऐसी बात है कि आपका लेटर माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया है, माननीय मुख्यमंत्री नहीं है, जब आएंगे तो निश्चित रूप से उस पर निर्णय होगा, आप लोग शांति बनाए रखें।